चीज मनोज प्रजापत सर को बनाती है द मनोज प्रजापत।
उनके समर्पण के बारे में बताऊं बच्चों को, या मैं बताऊं कि वो डाउन टू अर्थ कितने, ये मैं बताऊं उनको, या मैं बताऊं कि उन्होंने कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करे हैं इस लेवल पर आने के लिए, या मैं बताऊं कि जो विरोधी उनके बारे में भी नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं, या मैं बताऊं कि कितनी रातों तक मैंने उनको चेक करा है, कभी हमारी बात होती है तो 12-1 बजे तक बात चलती है, भाभी प्रमाण है उनका कि शायद वो उनसे भी उतनी बात नहीं करते होंगे। समर्पण है कि वो अगर बाहर भी है तो वहां से फोन करते हैं कि सर मेरी बैच इस समय लगेगी, मैं पहुंच जाऊंगा, तो एयरपोर्ट से उतरे वहीं पर ही फ्रेश हुए, वहीं से गाड़ी ली, इमीडिएट आए, क्लास खत्म करी, फिर कोई अगला टूर है तो वहां निकल गए, और भले 2 दिन घर नहीं गए पर फिर वो क्लास के अंदर रेगुलर आए, पर ये सारी चीजें सर को डिफरेंशिएट करती है दूसरे टीचर से। बेटा मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं, बट इतना बहुत सीए देखे हैं, बहुत टीचर्स देखे, बहुत सीए देखे, बहुत इंडिविजुअल देखे हैं, बट आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक मनोज यादव फॉर द सेक ऑफ सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, परसिवरेंस एंड बेस्ट एंड बेस्ट अबव ऑल डाउन टू अर्थ अप्रोच। घमंड रत्ती भर छुए नहीं उनको, और मेरी दुआएं हैं आप सब की तरफ से कि सर का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, एक दिन हम देखें सर को कि हमारी लॉबी के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो न केवल प्रजापति समाज का अध्यक्ष बन के दिशा दे रहे हैं, वरन राज्य और वरन देश। और मेरे मार्क करिएगा वर्ड्स को, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 साल बाद, 5 साल बाद हम लोग इस बात पे गर्व करेंगे कि हमने मनोज सर को ऐसा प्रत्यक्ष सामने देखा है। हम ऐसे बैठे हैं पड़ोस में कंधे से कंधा मिला के, आप बोलोगे हमने देखा है सामने उनको ऐसा। और इन शुभकामनाओं के साथ ही, मेरा जन्मदिन एक छोटा सा मौका होता है बेटा, और जो आप प्यार दर्शाते हैं, जो आप जो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट देते हैं, दैट मेक्स द टीचर्स वेरी ब्लेस्ड इन ऑल द सेंस। थैंक यू सो मच, कीप शोइंग योर लव लाइक दिस ऑन सर एंड ऑल द टीचर्स, वी आर ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू द लव यू हैव शोन टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जन्मदिन वाला हो गया किसी ने गाया, चलो सब मिलके गाएंगे। बस का अरेंजमेंट किया है तो सब लोग सर के घर के एरिया में जाएंगे और वहां पर पूरे दिन रहेंगे। आप अपनी स्टोरी सुनाओ।